आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि सैप में हमने जो आर्टिकल इनवाइस किए हुए हैं वो आर्टिकल पोस्टमैन मोबाइल ऐप में वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे। हमें नॉर्मली हम जैसा प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करते समय आर्टिकलों को हम नॉर्मली जैसा चढ़ाते हैं वैसा हम इनवाइस करके रखेंगे। इनवाइस करने के बाद उस मोबाइल डाटा को पोस्टमैन में कैसे वो आर्टिकल वहाँ पे दिखेंगे इसकी आज हम प्रक्रिया देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पहले पोस्टमैन मोबाइल में दिखा देता हूँ कि वहाँ पर अभी हमने ईएमओ चढ़ाया है, ठीक है। स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री तो हमने पहले वीडियो बनाने के पहले चढ़ा चुके हैं, इसलिए उसका हम आपको लाइव डेमो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम आपको सब ईएमओ के बारे में अभी हम बताएंगे कि जैसा प्रोसेस ईएमओ का है वैसे ही रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मोबाइल में व्यू दिखाना चाहूँगा कि उसमें आर्टिकल कैसे दिखते हैं। ये हमारा मोबाइल है, मोबाइल में पोस्टमैन ऐप को हम ओपन करेंगे। पोस्टमैन ऐप को ओपन करने के बाद इसमें जैसे स्पीड पोस्ट है, देखिए स्पीड पोस्ट में मैं क्लिक कर रहा हूँ। स्पीड पोस्ट में ये स्पीड पोस्ट आज के इनवाइस किए हुए हैं, है ना, और साथ में ये डिलीवरी जो दिख रहा है ये डिलीवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम किसी कारणवश गलत डिलीवरी हमने दिखा दिया तो अंडू में हम क्लिक करेंगे तो ये वापस इनवाइस वाले में आ जाता है, ठीक है। अभी हम देखना चाहेंगे ईएमओ है या नहीं, है ना। हमें ईएमओ में जाना पड़ेगा, ईएमओ में हम गए तो देखिए यहाँ पे ईएमओ का डाटा कुछ भी नहीं है, है ना, लेकिन हमने सैप में ईएमओ का इनवाइसिंग कर चुके हैं। अब हम इस डाटा को कैसे यहाँ पर मोबाइल में लाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल को फिजिकली सिस्टम के माध्यम से यूएसबी केबल से सिस्टम पे कनेक्ट करना होगा। ये हम केबल लगाते हैं, है ना, लगाओ केबल लगाओ। ये हमारा केबल लगा के हो गया। अब हमें सिस्टम पे क्या करना होगा, सिस्टम पे देखिए, सिस्टम पे वो जो ऐप एप्लीकेशन डाल के रखा है पोस्टमैन एसडी, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐसा प्रीव्यू दिखाएगा, यहाँ पे हमें ऑपरेटर में लॉगिन करना होगा। ऑपरेटर का पासवर्ड आप लॉगिन डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको प्रोसेस फाइल में क्लिक करना होगा, इसमें हमने क्लिक किया। अगला जो स्क्रीन रहेगा, अभी मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, इससे पहले हमें सैप से फाइल को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। सैप से फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें सैप में लॉगिन करना होगा। सैप में हमारा ये लॉगिन स्क्रीन है, लॉगिन करने के बाद डीपीएमएस में जाना होगा, डाउनलोड फाइल करेंगे, आर्टिकल एंड ईएमओ डाटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें डाउनलोड करना है। ये हमने डाउनलोड में क्लिक किया, बैच आईडी हमने डाला। पहले हमें वो डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि हमने इनवाइस किया हुआ है। ये देखिए, हमने ये डाटा डाउनलोड किया। डाटा डाउनलोड करने की से पहले हम एक बार इसे रन करके देख लेंगे। यहाँ पे नाम आना चाहिए एम्प्लॉय का, और क्लिक डाउनलोड में क्लिक करके रन जैसे ही करेंगे ये फाइल सेव करने के लिए बोलेगा। फाइल सेव करते समय हमें जो फोल्डर CSIPMA नाम का फोल्डर इनबाउंड फोल्डर है, इनबाउंड फोल्डर में हमें इसे सेव करना होगा। देखिए ये सक्सेसफुली सेव हो गया, है ना, ये फाइल सक्सेसफुली सेव हमारी हो गई है। अब हम उस फोल्डर में भी जाके देख सकते हैं कि ये फाइल वहां पहुंची कि नहीं पहुंची, है ना। नहीं, ये फाइल इनबाउंड में ये फाइल यहाँ पे अपनी दिखने लगी, ठीक है। ये फाइल इनबाउंड से जब हम प्रोसेस करेंगे तो इनबाउंड से ये फाइल यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। अब हम पीएमएस सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर अपना ओपन किया हुआ है, हमें प्रोसेस में क्लिक करना होगा। प्रोसेस फाइल में क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अगले में ट्रांसफर इनवाइस डाटा में क्लिक करेंगे। हमें डिलीवरी डाटा में क्लिक करना होगा पहली बार में, ठीक है। डिलीवरी डाटा में क्लिक करेंगे, कनेक्ट में क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करना होगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर उसका नाम, मोबाइल नंबर, डिवाइस आईडी ऑटोमेटिक दिखा देगा। हमने इसमें क्लिक कर दिया है, कनेक्ट में क्लिक कर दिया है। ये देखिए, ये आया। अब हमें ट्रांसफर में क्लिक करना होगा।
ट्रांसफर डाटा में आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाटा मोबाइल में जाने लगा। सेव का जो फाइल हमने डाउनलोड किया हुआ है वो फाइल अपने मोबाइल में जाने लगा। वेट करेंगे सक्सेसफुली 100% होने का। ये देखिए सक्सेसफुली हो गया। बस अब इसे हम मिनिमाइज कर दें या बंद कर दें। अब हम मोबाइल में जाके देखते हैं वो डाटा वहाँ पे मोबाइल में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। इसके लिए हमें पोस्टमैन ऐप को डाउनलोड करना होगा, ये ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ईएमओ में हम जाते हैं। अभी हमने इसके पहले डाटा डालने के पहले हमने ईएमओ आपको दिखाया था खोल के, उसमें डाटा नहीं था। अब अपन ओपन करते हैं, देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन दिखाने लगा, ईएमओ दिखाने लगा। इसकी डिलीवरी डालने के लिए हमें इसमें क्लिक करना होगा। ईएमओ में क्लिक किए, स्टेटस जो भी है डिलीवरी या जो भी स्टेटस है वो डाले और हमें ये सिग्नेचर में क्लिक करना होगा। मोबाइल को ऐसा करेंगे और उनका सिग्नेचर ले लेंगे, वो जैसा भी सिग्नेचर करते हैं वैसा वो सिग्नेचर कर देंगे और सेव में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें डन करना होगा। ये हमने डन किया और थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे नाम कभी कभी अगर नहीं दिखाता तो ऊपर में एक ऑप्शन वो देता है, उस ऑप्शन में अपने को एड्रेसी का नाम सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे नाम दिखाने लगेगा, है ना। अभी हम ओके करेंगे तो इसकी डिलीवरी हो गई। अब देखिए यहाँ पे इनवाइस से वो हट गया, अब ये डिलीवरी में आ गया। बाय द वे अगर मान के चले हमने गलती से गलत डिलीवरी दिखा दी तो उसे हम अंडू करेंगे तो ये वापस वहाँ पे आ जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकल करने के लिए डिलीवर दिखाए थे, हम वापस इसको अंडू रिटर्न कर देते हैं, यस करेंगे तो ये वापस इनवाइस वाले उसमें आ गया। मतलब ये है कि हम गलत से डिलीवर कर रहे हैं तो उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें इसका डिलीवरी रिटर्न भी लेना है। अब आज की हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हैं कि कितने आर्टिकल इनवाइस हुए, कितने चढ़े हैं, है ना। यहाँ पे ये ऑप्शन पे ये दिखाता है, ठीक है। डिलीवरी परफॉर्मेंस में हम देख सकते हैं 48 आर्टिकल इनवाइस हुए हैं, 48 अनडिलीवर्ड हैं। ईएमओ एक है, एक अनडिलीवर्ड है अभी, है ना। स्पीड पोस्ट एक है, ये पार्सल पोस्ट, टोटल 76 आर्टिकल इन्हें हमने आज इनवाइस करके दिया हुआ है। हैंड हेल्ड में आप ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ के माध्यम से रिपोर्ट दिखता है। उसके अलावा हम अकाउंट में देख सकते हैं, अकाउंट में इनके पास 1000 रुपये आज इनसे हमें प्राप्त, इनको हमने 1000 रुपये दिया हुआ है जो वहाँ पे दिखा रहा है कैश इन हैंड में है। जब ईएमओ डिलीवर्ड हो जाएगा तो वो 1000 रुपये कैश इन हैंड से हट जाएगा, ठीक है। अभी हमें इसका जब सारे ऑपरेशन हम कर लेंगे, एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि कम्युनिकेशन में जाकर कभी कभी ये स्टॉप हो जाता है। देखिए अभी जब स्टॉप रहता है तो ये गोल गोल राउंड घूम नहीं रहा है अभी, है ना। हमें विशेष ध्यान देना होगा शाम के समय या दिन में कभी भी स्टार्ट हमें करना होगा। कई बार ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, स्टार्ट होने पे देखिए ये राउंड राउंड हो रहा है। कोशिश ये करें कि ये इसको मिनिमम 10 सेकंड रख दें, ये 20 सेकंड इसको रखेंगे और रन एवरी कम्युनिकेशन इसको हम मिनिमम 1 मिनट रखेंगे ताकि हर मिनट में ये इसका कम्युनिकेशन चलता रहे। इसकी स्टेटस देखेंगे, स्टेटस में यहाँ पेंडिंग में कंप्लीटेड आना चाहिए तब ये पूरा